दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक न्यू वीडियो में। एंड दोस्तों अभी मैं अपने घर पे हूँ, अपने छत पे हूँ, और फाइनली मैंने जो एक कैंपिंग टेंट बाई किया था वो टेंट मेरे घर पे आ गया है। और अभी मेरा नेक्स्ट ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। मैं बहुत दिनों के बाद अपना वीडियो फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए, एंड अभी मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ। और ये जो कंटिन्यू होगा ये मतलब परमानेंटली कंटिन्यू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं छोड़ बार मैं करता था तो अब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब मैं वीडियो को एकदम कंटिन्यू करने वाला हूँ। और अभी जो मैंने अपना कैंपिंग टेंट सेट किया है, अपने छत पे चल के दिखाऊंगा कि मतलब मेरा कैंपिंग टेंट सेट जो हुआ है वो कैसे मैंने सेट किया है। और मतलब मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के भी बारे में बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ करने वाला हूँ और किसके साथ करने वाला हूँ, और मतलब क्या कैसे मतलब मैं सिर्फ कैंप करके इसे मतलब अपने सीरीज को चालू करूंगा। अपने सीरीज को सिर्फ कैंपिंग से ही, मेरा कैंपिंग टेंट देखने में भी बहुत अच्छा है, बजट में मैंने अच्छा कैंपिंग टेंट बाई किया है। मैं बजट देख के तो मुझे लगा कि ये कैंपिंग टेंट इतने रेंज में उतना हैवी नहीं होगा, लेकिन काफी अच्छा कैंपिंग टेंट है। तो अभी मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने अपना कैंपिंग टेंट पहले से ही सेट कर दिया था। दोस्तों वीडियो तो शुरू हो चुका है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर देना चाहूँगा अगेन कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा सब मेरा मतलब मेरे मुझे सपोर्ट करना तो आपका फ़र्ज बनता ही है। और पीछे जो मेरा ये एक लड़का देख रहा है, यही मेरा मतलब सपोर्ट किया है इस कैंपिंग टेंट को सेट करने में। और मतलब तो गाइज यही सब है वीडियो में। और मैं अपना कैंपिंग टेंट आपको दिखा दे रहा हूँ, पीछे मेरा कैंपिंग टेंट लगा होगा, अंदर चल के मैं दिखा दूंगा। बहुत ही अच्छा कैंपिंग टेंट दो लोगों का सूटेबल के लिए है कि इस कैंपिंग टेंट में दो लोग आराम से रह सकते हैं, सो सकते हैं। तो देखो गाइज वीडियो में मैं अपने नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात कर लूँ। तो अभी ये हवाएं तेज़ी से चल रही है, तो यह है कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है क्योंकि जो इसका किल होता है मैंने लगाया नहीं है, ठीक है। और छत पर है तो किल कैसे लगेगा, तो बस यही है। मतलब कैंपिंग टेंट मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। देखो गाइस ये है कैंपिंग टेंट, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। कैंपिंग टेंट का मैं थोड़ा सा खोल के अंदर का लोकेशन मैं दिखा देता हूँ कि इसमें गाइस जो बोला था 4 पर्सन, तो ये 4 पर्सन तो नहीं है, लेकिन 2 पर्सन बहुत ही अच्छा से अवेलेबल है। और 2 पर्सन ही इसे मैं मान के चलता हूँ। मान के क्या मतलब, 100% ये 2 पर्सन ही है, 4 पर्सन लायक इसमें कुछ नहीं है। देखो गाइस जैसे ही इसे मैं ओपन करता हूँ तो इसे फर्स्ट मतलब विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे एक जाली नुमा मिलता है, जो कि आप बाहर का लोकेशन अगर इसे बंद करके भी बाहर का लोकेशन देख सकते हो। मतलब आपको दिक्कत हो रही है हवा या फिर कुछ भी में भी, तो इसके इसको बंद करके इसको ये वाला ओपन करके एक ही सिर्फ आप क्लोज करके ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा तेज़ हवा चल रही है छत पे, तो थोड़ा सा ये इधर उधर हो रहा है। अभी मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के बारे में बता दूं, तो देखो भाई नेक्स्ट ट्रिप मेरा ये नेपाल सिक्किम नॉर्थ ईस्ट, मतलब मैं बिहार से नेपाल में एंटर करूंगा और नेपाल से पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करने वाला हूं, ठीक है। पहले नेपाल कवर करूंगा फिर नॉर्थ ईस्ट कवर करूंगा, ठीक है। तो मतलब ये मेरा जर्नी है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। और मतलब मेरे साथ जो मतलब एक जाने वाले हैं वो बस्ती के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश बस्ती, उनका मतलब रमेश नाम है। वो मेरे साथ ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में ही, नागालैंड हम और उन रमेश भाई साथ में ही गए थे। और फिर से मैं हम और रमेश भाई नेपाल नेपाल से होके पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करने वाले हैं। टेंट में बैठ के भी दिखा देता हूँ। देखो गाइस ये मेरा कैंपिंग टेंट है, कैंपिंग टेंट तो काफ़ी सूटेबल है गाइस। यहाँ पे आप सो के भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो कैंपिंग टेंट बहुत ही हैवी है, बजट ट्रेंड में बहुत ही हैवी कैंपिंग टेंट है। अभी छत से जो मैं लेटा हूँ तो ऊपर से धूप बहुत तेज़ आ रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी आँखें बंद मतलब ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस प्रकार से ये मतलब मेरा वीडियो का एंड करने के कगार पे हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में इतना देर तक रुके तो आपका बहुत रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दें, सपोर्ट करें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।